गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग देखेंगे एरे कमांड कैसे यूज करना है। हमारे पास तीन ऑप्शन आता है एरे में, ठीक है। तो आज हम लोग इसको कवर करेंगे। ऑटोकैड में ये हमारा क्या होता है, मेन्यू बार है ना, और ये हमारा रिबन। तो अब आप लोग क्या करेंगे, रिबन को ऑन रखेंगे। रिबन कैसे ऑन रखना है, आर आई डबल बी। तो यहाँ पे आपको एक रिबन क्लोज है और रिबन, अगर रिबन क्लोज करते हैं तो क्या होता है, हमारा रिबन ऑफ हो जाता है। और रिबन को ऑन करने के लिए रिबन है ना, ठीक है। तो अब आप लोग को रिबन को ऑन रखना है। पहले हम लोग रिबन ऑन नहीं रखते थे क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिस चाहिए था कमांड पे। अब हमको रिबन क्यों ऑन रखना है अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप लोग को एरे कमांड करना है तो आप क्या करोगे, कोई पार्ट बनाओगे पहले जिसमें आपको एरे करना है। सपोज हमको एक रेक्टेंगुलर एरे करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ एक सर्कल बना रहे हैं और इस सर्कल को हमको इस रेक्टेंगुलर में एरे करवाना है, यानी कंटिन्यूसली इस पार्ट को हमको बार बार कॉपी करना है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस में या फिर कोई लिमिट तक, है ना। तो क्या करेंगे, ए आर इंटर, शॉर्टकट की क्या है एरे का, ए आर इंटर, ठीक है। आपको बोलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे देन इंटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आ गया रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे में हम सेलेक्ट किए, देखिए आपका पार्ट क्या हो रहा है, एरे होना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको कितना एरे करना है पैटर्न में, ये हमारा कॉलम है। कॉलम कौन सा होता है, ये होता है कॉलम हमारा, ठीक है। ए आर इंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, इंटर, रेक्टेंगुलर एरे, ये हमारा कॉलम हो गया, ठीक है। एक दो तीन चार, ठीक है, ये चार हमारा क्या है, कॉलम है। आप जितना कॉलम रखना चाहते हो आप यहाँ पे मेंशन करो, ये उतना कॉलम आपको बना के देगा, क्लियर है। ये हमारा क्या है, रो, रो, रो आपका एक दो तीन, तीन है ना। आप जितना रो रखना चाहते हो आप बता दो उसको, उतना आपका रो वो बना के दे देंगे, ठीक है। अब आपका डिस्टेंस जो है यहाँ से, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको शो कर रहा है कितना आ रहा है, 34 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आप अपने हिसाब से बता दो, 50 चाहिए तो 50 50 के गैपिंग में आपको क्या करेगा, डिस्टेंस में एरे कर देगा, ठीक है, एरे कर देगा। ऐसे ही आपको अगर वाई में यानी रो में चेंजेस करना है तो आप रो का डिस्टेंस बताओगे 50, तो क्या होगा, 50 50 का गैपिंग आपको हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो टोटल अपने आप डिवाइड करेगा ये टोटल कितना होगा। अगर आप 50 दे रहे हो तो डेफिनेटली बात है यहाँ से यहाँ 50, यहाँ से यहाँ 50, यहाँ से 50, यहाँ से 50, टोटल डिस्टेंस 200। ऐसे ही हमारा ऊपर में भी होगा 50 50 करके 200, ठीक है। ये लेवल क्या है, हम लेवल दो कर दे रहे हैं, ठीक है। और डिस्टेंस यहाँ पे बिटवीन जो दे रहा है आपको, बिटवीन जो है वो आपका लेवल 3D में शो करेगा, ठीक है। कैसे करेगा अभी हम दिखाते हैं। डिस्टेंस गैपिंग जो है हम बोल दे रहे हैं 10 का चाहिए, है ना। और ये एसोसिएटिव अभी क्या है, ऑन है, हम इसको ऑन ही छोड़ दे रहे हैं अभी, क्लियर है। अभी से डिफरेंस क्या आएगा हम लोग आगे देखेंगे। क्लोज किए इसको, ठीक है, हमको क्या हुआ, एरे बन के आ गया ना, देख रहे। अभी हम लोग लेवल किए थे कुछ,
लेवल दो किए थे और गैफिंग कितना डाले थे, 10, तो उसमें क्या चेंजेस आया? कुछ दिख रहा है अभी? नहीं दिख रहा। आप यहाँ पे जाओ, टॉप है ना, टॉप पे क्लिक करके इसको क्या करेंगे, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। अब आपको दिख रहा है क्या हुआ, वो एक लेवल नीचे बनाया और गैफिंग कितना है उसका, 10। अगर दो लेवल देते तो क्या होता, तीन लेयर आता और तीन के बीच का जो गैफिंग देते 10, 10। क्लियर है? तो हम लोग अक्सर 2D में ही काम करेंगे तो हमको लेवल का देने का ज़रूरत नहीं है ना। अब देखिए एसोसिएटिव बॉन्ड रखे थे ना हम लोग, अब हम एक और बनाते हैं सर्कल, सी इंटर। हम इसको एरे करते हैं, ए आर इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन इंटर, देन रेक्टेंगुलर पैटर्न। क्लियर? यहाँ पे क्या है, हम सब कुछ ठीक है, पैटर्न में कॉलम 4 रखे हैं, डिस्टेंस हम दे देते हैं यहाँ पे 50, ठीक है, रो में 3 रखे हैं, हम गैफिंग दे देते हैं 60, ठीक है, लेवल हम 1 ही रखते हैं, और एसोसिएटिव इस बार हम क्या कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, है ना, और हम क्लोज कर दिए रहे हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, जब हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिए सारा कुछ सेलेक्ट हो जा रहा है और ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो रहा है, कॉलम फिर से एडिट करने का ऑप्शन आ जा रहा है। अगर आप यहाँ चेंजेस कर देंगे कि हमको ये 40 चाहिए, तो फिर से वो चेंजेस हो सकता है उसमें, हो रहा है ना, क्लोज। ठीक है, अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे ना, तो देखिए क्या हो रहा है, ये एक ही सेलेक्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एक फैमिली बन गया है और ये टुकड़ा टुकड़ा बन सिंगल गया है, है ना, यस सर, सिंगल सिंगल है। तो जी सर, एसोसिएटिव का मतलब समझ में आया, एसोसिएटिव आप ऑन रखोगे तो आपको एडिट करने का बाद में ऑप्शन मिलेगा एरे में, अगर आप एसोसिएटिव ऑफ कर दोगे तो आपको बाद में एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे आ रहा है हमारा एडिट सोर्स, आ रहा है ना, एडिट सोर्स पे क्लिक करेंगे, किसी एक ऑब्जेक्ट पे जिसमें आप एडिट करना चाहते हो, ठीक है, उसको क्लिक करेंगे, यहाँ से एडिट सोर्स ऑब्जेक्ट ऑफ द एसोसिएटिव एरे में ओके करेंगे, ठीक है। अब आप जो भी चेंजेस करोगे किसी में भी, तो वो चेंजेस आपको सारे में दिखेगा, दिख रहा है, जी सर, और यहाँ से आपको हमेशा सेव चेंजेस करना है अगर आप चेंजेस को चाहते हो तो, ठीक है। अगर आप, क्योंकि सारा कुछ आपको दिख रहा होगा, आप फॉरगेट कर जाओगे सेव करना, तो ध्यान रहे आप लोग को एडिट करने के बाद सेव चेंजेस करना है यहाँ पर, ठीक है, सारे में चेंजेस हो गया। मगर ये काम आप इसमें नहीं कर सकते हो, कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। तो एसोसिएटिव ऑन करके आप एक ग्रुप बना के कंटिन्यू काम कर सकते हो उसमें, अगर कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हो। क्लियर है? रेक्टेंगुलर एरे समझ में आया आप लोग को? यस सर, बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है सर्कुलर पैटर्न। हम सी इंटर किए, एक सर्कल बना लिए, ठीक है, और हम चाहते हैं यहाँ पर एक, ये जो सर्कल है इसको हम पैटर्न करें, ठीक है, ठीक है, इसको हम पैटर्न करना चाहते हैं सर्कुलरली। तो एरे मारेंगे, ए आर एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, देन आपको पोलर का ऑप्शन आएगा। पोलर मतलब क्या होता है, एंगल के साथ वैल्यू देना, एंगल ही आपको पैटर्न करेगा, पैटर्न बोलिए एरे बोलिए, ठीक है, दोनों सेम है। पोलर में क्या है, आपका बेस पॉइंट कौन रहेगा, आप बेस पॉइंट बताओगे, सेंटर पॉइंट ये वाला हम बोले इससे पैटर्न करेगा, तो क्या करने लगेगा, उस सेटर्न सेंटर से सेंटर तक का एक पैटर्न बनने लगेगा, है ना। अब यहाँ पे पैटर्न में कितना आइटम चाहिए, मैंने बोला 8 चाहिए, तो 8 हो जाएगा, क्लियर है। आपको एंगल, ये जो पहला ऑब्जेक्ट
और दूसरा जो है उसके बीच का एंगल कितना है, 45 है। आप उसको भी चेंजेस कर सकते हो अगर चाहो तो। यहाँ पे मैं उन्हें बोला 30 डिग्री पे होना चाहिए, तो देखो 30 30 डिग्री पे सारे पैटर्न आपके आने लगेंगे, है ना। अब ये इधर से हो रहा राउंड, आप चाहते हो कि इस साइड से ये आए, है ना, तो आप यहाँ डायरेक्शन पे क्लिक करोगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्लियर है आपका। यहाँ रो वन है, हम बोल रहे हैं रो टू भी चाहिए हमको, दो रो चाहिए, तो आपको नेक्स्ट एक और रो मिल जाएगा, उसका गैपिंग आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। यहाँ 35 पॉइंट समथिंग है, हम बोले हमको 34 का ही गैपिंग चाहिए, तो 34 का गैपिंग मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए आपका 210 डिग्री में डिवाइडेड ही है, आप यहाँ एंगल डालोगे ना तो यहाँ ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ पैटर्न से डिवाइड होके मल्टीप्लाई होके टोटल वैल्यू दिखाएगा। आप यहाँ 360 करोगे तो डिवाइड होके ऊपर में आपको दिखाएगा 45 45 का डिग्री बनेगा। समझ में आ रहा आप लोगों को, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, एसोसिएटिव समझ में आया आप लोगों को? लेवल में क्या होता है, वो उसके पीछे पार्ट बना रहा होता है थ्रीडी में, है ना। बेस पॉइंट में क्या होता है, आप बेस पॉइंट चेंज कर सकते हो। अभी बेस पॉइंट सेंटर है, आप बेस पॉइंट पे क्लिक करोगे और बता दोगे कि ये वाला बेस पॉइंट है, तो काउंटिंग वहीं से होगा, ठीक है। आपका पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम ही रहेगा, चाहे आप सेंटर से लो चाहे कहीं से भी लो, बस आप एक लोकेशन दे रहे हो कि हमको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस चाहिए, ओके। अभी एसोसिएटिव होने तो इसका मतलब आप इसमें बाद में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। क्लोजर है हमारे, एक दिक्कत आता है अगर आप डिलीट करोगे ना तो एक बार में सारा भी डिलीट हो जाएगा, गया, क्योंकि सारा एक साथ एसोसिएटिव था। तो आप अगर आपको ऐसा लगता है कोई एक डिलीट करना है तो आपको पहले एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक्सप्लोर करना बताए थे, यस सर। जब भी कोई फैमिलियर रिलेशनशिप हो, लाइक पॉली लाइन, जैसे आपको बताए थे रेक्टेंगल भी पॉली लाइन से बनता है, या आप मानो ऑफसेट मारे हो, ठीक है, ऑफसेट में क्या हुआ सब एक साथ पॉली लाइन वाला में मारे हो, तो आप उसको तोड़ने के लिए एक्सप्लोर करते हो, एक्स एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, देन एक्स एंटर, क्या हो जाएगा अब ये, अब ये एसोसिएटिव वाला जो लगा हुआ था उसमें अब वो रिलेशन टूट गया, ठीक है। अब आप पर्टिकुलर एक एक करके सबको सेलेक्ट कर सकते हो, समझ में आ रहा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, पोलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे हम लोग पढ़े, पोलर एरे हम लोग पढ़े। नेक्स्ट आता है हमारा पाथ एरे, लिख लिए दोनों, ठीक है। अब पाथ एरे के लिए आपके पास पाथ होना चाहिए, है ना। हम लोग एक स्प्लाइन बना लेते हैं, SPL इंटर, ठीक है, मेथड में फिट, इस तरह से हम क्या किए, एक पाथ बना लिए, है ना। अब हम चाहते हैं इस पाथ में अपना पैटर्न जो हम बनाएंगे वो इसको फॉलो करे, है ना। अब हम कोई पार्ट बनाना पड़ेगा जो फॉलो करेगा उसको, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो पार्ट है हमारा इस पे फॉलो करें, तो आप पहले क्या कीजिए, पार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, मूव कर लीजिए इसको यहाँ से, और ये पॉइंट को सेट कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है। अब हम जाएंगे एरे करने, AR एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर, पाथ एरे करना है तो पाथ सेलेक्ट किए, कौन सा पाथ है आपका वो आप बताइए,
मैंने बोला ये पाथ है, तब ये पाथ फॉलो करना शुरू कर दिया, है ना। आप अलाइन को ऑफ कर देंगे तो वो प्रॉपर सीधा सीधा जाएगा, मगर ध्यान रहे आपका पार्ट जो होना चाहिए ना वो इसी पॉइंट से मैच होना चाहिए। अगर आप दूर रखोगे तो दूर से ही वो फॉलो करेगा फिर, ठीक है। तो इसको क्या करना, आपको बेस पॉइंट्स पे जा करके मैच करा लेना, इसीलिए मूव करा के उस पॉइंट को हम सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अगर आप टेंजेंट करोगे ना तो इस सर्कल को बोलोगे कि टेंजेंट हो जाए इस लाइन के साथ, तो इस लाइन के साथ वो टेंजेंट से फॉलो करते जाएगा, ठीक है। ए आर एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, देन पाथ, पाथ सिलेक्टेड, ठीक है। अलाइन चाहिए मुझे, अलाइन। अब देखिए आपको पास गिवन डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ से यहाँ का गैपिंग कितना होगा, ठीक है। आप यहाँ बता दो गैपिंग कितना चाहिए, मैंने बोला 80 का गैपिंग चाहिए। देखो अपने आप पैटर्न बढ़ गया, नंबर ऑफ आइटम बढ़ गया ना, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे बिटवीन का डिस्टेंस नहीं देना है, इस लाइन में हमको टोटल नंबर ऑफ पैटर्न गिन के डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर अभी है, तो मेजर में आपको डिस्टेंस देने का ऑप्शन आता है। आप देखो यहाँ पे आइटम देने का ऑप्शन नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा है ना। नहीं सर, हम चाहते हैं नंबर ऑफ आइटम हो और लाइन में डिवाइडेड होता है ना, ठीक है। आप क्या करोगे, मेजर की जगह वो डिवाइड सेलेक्ट करोगे, ठीक है। डिवाइड में गए, अब यहाँ आप बता दो टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना है, वो लाइन में उतना आइटम डिवाइड कर देगा। मैंने बोला 8, 8 हो गया, ठीक है। मैं बोलूँगा 10 तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बिटवीन डिस्टेंस है और टोटल डिस्टेंस है वो अपने आप मेजर करके ले लेगा, क्लियर है। सेम चीज आपका आता है रो में, रो में क्या होगा, आप एक रो और बढ़ा सकते हो ऊपर, ठीक है। नीचे आप नहीं बढ़ा सकते हो, रो हमेशा ऊपर बढ़ेगा, ध्यान रहे इस बात का। तो जब भी आपको रो बढ़ाना हो तो आप पार्ट जो बनाओगे वो नीचे बनाओगे, उसी को आगे आप रो में ले सकते हो, ठीक है। लेवल समझ में आ गया, बैक में पार्ट बनते जाएगा, ठीक है। एसोसिएटिव समझ में आ गया, बेस पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ से क्लोज कर दिया। तो ये आपका तीन चीज होता है, क्या होता है, एरे में पहले आता है रेक्टेंगुलर, ठीक, पोलर, पाथ, पोलर और पाथ, पाथ ठीक एरे है। तो तीन तरह का एरे आपका आज फिनिश होता है, जी ठीक है। जी सर।